हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सुपर टेट 2022 के लिए अपने चैनल पर मैथ्स को कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, जिसका आज आपका डे 7 होगा। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आज आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपका एलसीएम और एचसीएफ जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। कहते हैं, दो संख्याओं का योग उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, ऐसे मान लेते हैं, इनका योग आपको 36 दिया गया है और इन्हीं संख्याओं का मासा जो है वो आपको दिया गया है 3, और साथ में लासा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 105, और आपको व्युत्क्रमों का योग बताना है, मतलब 1 upon x + 1 upon y, ये चीज बतानी है। तो आप यहां से देख रहे हो x y, और यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे तो x plus y, ये चीज यहां से आपको x plus y पता हो और x y पता हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए, x प्लस वाई तो ऑलरेडी आपको पता है, अब आपको क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होता है आपका, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहां से पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यहां से x y का मान देखिए आपको पता चल जाएगा, 3 × 15 = 5, 8 × 0 = 1, 3 × 0 = 1, 3 × 1 = 315। तो x प्लस वाई की जगह यहां पे क्या रख दो, 36 रख दो, और यहां पे 315 रख दो, ठीक है। 5 × 1 = 6, 3 × 9 कट जाएगा 3 से, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 6, 3 × 3 = 3, 5 = 15, अभी भी 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 12 और 3 × 9 बचा 1, 3 × 5 = 15। तो 4/35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल से तरीके से आप इसको आसानी से लगा सकते हो, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। अच्छा देखिए, जब अनुपात कितना दिया है, 5:6 यही दिया है, 5:6 जो है दिया गया है, और उनका एचसीएफ आपको दे दिया गया है, एचसीएफ दिया है 12। मैंने कहा था अलग अलग अनुपात में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, तो ये वो दो संख्याएं निकल आती हैं। अब इन्हीं दो संख्याओं का आपसे क्या पूछा है, इन्हीं दो संख्याओं से आपका पूछा है एलसीएम। तो 60 और 72 का एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो। देखो, 2 से पहले करो 30, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से यहां पे करो 15 और यहां पे 18, अभी 2 से कर लो 9 और 15, फिर 3 से करते हैं 5, 3, अभी 3 से एक बार जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24, 24 × 72, 72 × 5। तो आपने देखा 72 × 5, 5 × 10, 5 × 35, 31, 36, 360। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 360 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको भिन्नों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो नंबर लिख लेते हैं यहां पे 23, कौन कौन से भिन्न दी गई हैं, 2/5, 8/35, इसके अलावा 4/15 और 6/25, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए, मैंने बताया था जब भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, 2, 8, 4, 6 में सबसे छोटा नंबर देखा करिए, क्या सभी को कट कर रहा है, आपने देखा कट कर रहा है, मतलब इसका जो एचसीएफ आया, अंश का जो सभी अंशों का एचसीएफ आया वो तो 2 आ गया। अब आपको 5, 35, 15 और 25 का क्या करना है, यहाँ पे बस एलसीएफ निकाल लेना है। तो 5, 35, 15 और 25, देखिए
क्या करेंगे यहाँ पे तीन से करते हैं पहले, देखो तो यहाँ पे पांच, यहाँ पे पैंतीस, यहाँ पे पांच और यहाँ पे पच्चीस ही हो जाएगा। अब आप करिए पांच से, पांच इक्का पांच, पांच से पैंतीस, पचम पच्चीस, एक बार पांच से जाएगा और एक बार आपका सात से जाएगा। तो आपने देखा तीन पचे पंद्रह, पंद्रह पचे पचहत्तर और पचहत्तर इंटू सात, सात पंद्रह पैंतीस का पांच, हासिल पर तीन, सात सत्ते उनचास, तीन बावन, ये आ गया 525। तो जो हर है उन्हीं सभी का जो एलसीएम आया, एलसीएम आया वो आया 525। तो इन भिन्नों का जो आपका एलसीएम आ गया वो आ गया 2/525। तो आपको कहीं पर दिया गया होगा किसी ऑप्शन में 2/525, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो संख्याओं का मासा 9 है, लासा 270 है, यदि इन संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन दो तीन तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई, इनका देखिए मासा आपको क्या दिया गया है, मासा दिया गया है आपको 9, ठीक है। साथ में जो लासा दिया गया है, लासा दिया गया है वो क्या दिया गया है, लासा दिया गया है आपको 270, और इन संख्याओं का जोड़ मतलब एक्स प्लस वाई आपसे क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई आपसे दे दिया गया है 99, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स माइनस वाई, ये चीज आपसे पूछी है एक्स माइनस वाई। तो अब आप देखो इनको कैसे करोगे। देखो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि जैसे आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका होल स्क्वायर बाई चांस करते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, यही होता है। हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई का फॉर्मूला कहां पे, साइड में यहां पे करते हैं, जैसे x माइनस वाई जैसे लिखा है और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये चीज आती है। हमको क्या चाहिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज हमारे लिए फालतू की है तो इतने की जगह हम लिख सकते हैं। यहां से देखो इस चीज को उठा के अगर इस चीज को इसके साथ लेते आते हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस है यहां पे तो हो जाएगा प्लस का 2xy, हो जाएगा प्लस का 2xy, यही चीज आ जाएगी। तो हम इतने की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy। जब इसकी जगह यहां पे रखेंगे और इस साइड यही रहेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस का 4xy हो जाएगा, हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये उठा के इधर माइनस में लेके आएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, ये चीज आ जाएगी। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये एक्स प्लस वाई वैल्यू दी गई है आपको 99, और 99 का जब स्क्वायर करते हो तो वो होता है 98101, मतलब 9801। xy की जगह आपको कितना दिया गया है, xy की जगह आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हो भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। तो xy की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, xy की जगह क्या करोगे, 9 × 270। देखो 9 × 270 करोगे तो कितना आएगा, 9 × 270, 9 × 0 = 9 × 63, 9 × 2 = 18, 18 × 6 = 24, 2430। अभी 4 भी साथ में लगा है तो 4 से भी मल्टीप्लाई करके देखो, 4 × 0 = 0, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 16, 17 × 7 हासिल पर 1, 4 × 8 = 9, 9720। तो यहां पे आप लिख सकते हो 9720, 9720। अब इसको आप घटा लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 से 2 आप 8 आ जाएगा, फिर 97 = 70, 81 आया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया 81, तो
तो यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इसका अंडर रूट चढ़ेगा तो 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9, क्योंकि आपसे अंतर ही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि चार ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी, तो इसका डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना है और आपको पता चल जाएगा कितनी सेकंड में वो एक साथ संकेत देंगी। तो आपको चार संख्याएं दी गई हैं, एक तो दी गई है 30 और एक दी गई है 45 और एक दिया गया है 60 और एक दिया गया है 120 और सभी सेकंड में दिए गए हैं, तो बस इनका आपको क्या निकलना है, एलसीएम निकाल लेना है। वैसे तो 360 आ जाएगा इसका, 15 45 30 60 फिर दो से करिए, तो यहां पे 30, यहां पे 15, यहां पे 45 और यहां पे 15। अभी भी दो से कर सकते हो आप, यहां पे आपका 15 आएगा, यहां पे 15 आएगा, यहां पे 45 और यहां पे 15। अब आप तीन से करो, तो आप करोगे 3 × 15 और 15 × 45, 3 × 15 और 3 × 15। अभी भी आप तीन से कर सकते हो, तो आप तीन से यहां पे करो आसानी से, क्या करोगे, 3 × 5 आएगा, 3 × 5 और 5 और 5। अब एक बार आप डायरेक्ट 5 से कर सकते हो, तो आप देखोगे सब एक 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 आ जाएगा। तो 2 × 4 = 8, 8 × 24 = 72 और 72 × 5 = 360, 5 × 10 = 35, 36। तो 360 सेकंड में सभी एक साथ दोबारा संकेत देंगी, इस बात को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 360 सेकंड आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि दो संख्याओं P तथा Q का लासा तथा मासा दिया गया है और आपसे एक जो है इक्वेशन दी गई है, उसी के अनुसार आपको ऑप्शन बतानी है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखिए दो संख्याएं, छोटा वाला P दिया गया है, छोटा वाला Q दिया है, ये दो संख्याएं हैं, इनका जो मासा दिया गया है, इनका जो मासा दिया गया है वो ध्यान से देखिएगा बड़ा P दिया गया है और जो इनका लासा दिया गया है वो बड़ा Q दिया गया है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर एक इक्वेशन दी गई है, बड़ा वाला P माइनस छोटा वाला P बराबर छोटा वाला Q माइनस बड़ा वाला Q, कह रहे ये है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और देखिए सभी ऑप्शन में आप देख रहे हो, कोई भी ऐसा ऑप्शन आप देखो, सभी ऑप्शन में आपको बड़े वाले P के साथ बड़ा वाला Q देखने को मिल रहा है, अधिकतर पहले वाले ऑप्शन से देख सकते हो। तो यहां पे एक चीज देखो, जब दो संख्याएं P और Q दी गई है तो छोटा वाले हैं ये दोनों, P और Q का मल्टीप्लाई हमेशा लासा मासा इंटू लासा तो होता ही होता है, ये चीज आप समझ गए। अगर बाई चांस इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इस बड़े वाले P के साथ हम इस बड़े वाले Q को लाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इस छोटे वाले Q के साथ इस छोटे वाले P को लाते हैं तो वो ये हो जाएगा, ये छोटा वाला है इसको ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस का 2PQ, और यहां से हो जाएगा Q का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस का 2PQ, ये चीज हो जाएगी। अब देखो इस 2PQ की जगह, इस 2PQ की जगह, ये दोनों आपस में PQ और PQ बराबर है और 2 2 तो बराबर होते, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो यहां से आपका आया बड़े वाले P का स्क्वायर प्लस बड़े वाले Q का स्क्वायर बराबर छोटे वाले, चाहे आप P को पहले लिख लो चाहे Q को ही पहले लिखा रहे तो कोई मतलब नहीं है उससे, P का स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इसको ऐसा करने पर कौन सा ऑप्शन आया, तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया है बुक में, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, 24, 12, 36, 60 का मासा क्या होगा। अच्छा ये तो 24, 12,
36 60 का मासा क्या होगा? सबसे छोटा नंबर देखते हो क्या सभी को कट कर रहा है? तो आपको क्या, हाँ कट कर रहा है, ऑप्शन में भी दिया गया है, तो इसका मासा जो होगा वो 12 ही हो जाएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसका मासा 12 होगा जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी तरीके से है कि तीन सर्च लाइट है 20 सेकंड 30 सेकंड 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती है, तो युगपत दीप्तों के बीच का समय बताना है आपको, कितने समय पर दोबारा मतलब उनके बीच का समय। तो कुल मिला के आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है 20 30 45 का। तो देखिए 20 30 और 45 का आपको एलसीएम निकालना है, सभी सेकंड में दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ दो से करोगे 10, यहाँ 15, यहाँ पे 45, फिर आप एक बार दो से करोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 45। अब आप सीधे सीधे तीन से करोगे 5 15 और 5, अब अभी भी आप तीन से करोगे 5 5 5 और यहाँ पे एक से करोगे एक एक एक, सॉरी 5 से करोगे तो एक आ जाएगा। दो दुनी 4, 4 तीय 12, 12 तीय 36, 36 पंचा आई थिंक 180 होता है ना, 6 पंचे 30 के 0, 80 पर 3, 5 तीय 15, 3 18, 180। तो 180 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दो युगपत के बीच का अंतर इतना ही होगा। तो 180 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इस तरीके से इसको लगा सकते हो। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, 10 15 20 का लासा बताना है। देखिए 10 15 20 का लासा बताना बहुत आसान है, 20 तो होगा नहीं सबसे बड़ी संख्या, 20 दुना 40, 40 होगा नहीं, 20 दिया 60, 60 को 10 भी डिवाइड करेगा, 15 भी डिवाइड करेगा और खुद 20 भी डिवाइड करेगा, तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो डायरेक्ट आपका 60 निकल आएगा। कोई दिक्कत है? और चाहो तो आप अपना वो तरीका सिंपल सा फॉलो कर सकते हो। इसको देख लो, यहाँ पे 2 पंचे 10, 15 और 10, फिर यहाँ पे 2 से करोगे 5, 15, 5, 3 से कर लोगे तो 5, 5, 5 और फिर 5 से करोगे 1, 1, 1, तो 2 दुनी 4, 4 12, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों ए में, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 वैसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, आपको 22 54 135 और 198 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लेकिन उसको जो ऑप्शन दिए है वो थोड़ा अलग तरीके से दिए है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो जितनी घात ज्यादा वाले होते हैं वही सब उसके एलसीएम में लिख लेते। देखो दो को क्या करोगे, 2 × 11 लिख सकते हो, ठीक है, 27 को क्या लिखो, 54 को क्या लिखोगे, 2 और फिर इंटू 27, और 27 के लिख सकते हो 3 की पावर 3, ये चीज समझ गए। 135 को क्या लिखोगे, 135 देखो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार 3 से करोगे तो 3 × 12 3 × 15 3 × 12 3 × 15 45 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 से एक बार करोगे तो 5 आ जाएगा और 5 से कर दोगे तो 3 × 9 9 × 3 27 27 × 5 135 इस तरीके से कर सकते हो। 198 में पहले 2 से करोगे तो 2 से करने का मतलब क्या हुआ, 2 × 18 2 × 18 तो 99 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 33 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से कर दोगे, ये चीज हो जाएगी 198 का। अब यहाँ पे जिस तरीके से देखो, यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो आप इसको सबको हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हो 3 की पावर 3, यहाँ पे लिख सकते हो 3 की पावर 2। अब आपसे एलसीएम पूछा है तो जितनी भी संख्याएं हैं उनकी जितनी भी पावर ज्यादा है वही लिख लो। देखो 2 हर जगह 2 की पावर 1 ही है तो एलसीएम में 2 लेंगे, फिर 3 आता है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की घात 3 है तो इसको 3 की पावर 3 लिख लेंगे। 5 देखो केवल एक ही जगह है 5 की पावर 1 तो इसको 5 ही लिख लेंगे, और 11 की हाईएस्ट पावर एक ही है तो इसको 11 लिख लेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो गया। यही आपको बताना है, देखिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, 2 × 3 की पावर 3 × 5 × 11 तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है।
उसने कहा है कि 4/20/28 के मासा, 4/20/28 इनका मासा तथा लासा का योगफल। देखो मासा तो पता है चार ही आएगा, मासा की कोई दिक्कत नहीं है, मासा तो चार ही आएगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर सभी को डिवाइड कर रहा है मासा। अब लासा मतलब है हमको, तो हम लासा क्या करते हैं कहीं निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार दो से ले जाएंगे तो 2 × 4 यहाँ पे 10 यहाँ पे 14, फिर दो से कहेंगे तो 1, 5, 7, एक बार 5 से जाएगा एक बार 7 से जाएगा, 5 से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और 7 से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो 2 × 4, 4 × 20 और 20 × 7 = 140। तो 4/ इसका योगफल निकालना है ना, मासा और लासा का, तो 4 + 140 = 144। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया 144, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बता देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। ये अच्छा, हम पहले भी क्वेश्चन सेम डिजिट का शायद दिया गया था, 10, 12, 15, 18, यहाँ पे 900 आंसर आ रहा था। तो आप दो से करोगे, 2 × 5 = 10, 6, 15 और 9। अभी भी दो से करोगे, 5, 3, 15, 9। फिर आप क्या करो, 3 से करो, 5, 1, 5, 3 × 9, ठीक है। और आप क्या करो, आप 3 से ही करोगे, 1, 5 यहां पे 1 और 5 और 5 से कर लो, 1, 1, 1, 1। तो 2 × 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 × 5 = 180। 180 ये आ गया, लेकिन देखो पूर्ण वर्ग बताना है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 हम ले लेंगे, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 5 = 90, 900। तो ये कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो 10, 12, 15, 18 से विभाजित होगी और पूर्ण वर्ग होगी, वो होगी 900। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 900 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि 225, क्वेश्चन नंबर 33 लिखते हैं यहाँ पे, 225 तथा 550 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से तीनों से पूर्णतः विभाजित। एक तो 225 दिया है और एक 550 दिया है, कह रहा है इसके बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, जब ये 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी बीच वाली संख्याएं, तो इनके एलसीएम से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एलसीएम निकालना, 2 × 4, 5, 2 × 6 और यहाँ पे 1, 5, 3, एक बार 3 से जाएगा और एक बार चला जाएगा आपका 5 से, ठीक है, एक बार आपका चला जाएगा 5 से। तो 2 × 4, 4 × 12, 5 = 60। तो इनका जब एलसीएम 60 आया, तो 60 के गुणनफल में जितनी संख्याएं होंगी और जो 225 और 550 के बीच में होंगी, वो सभी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित होंगी, क्योंकि 4, 5, 6 का लासा 60 है। तो 60 के ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 225 के बाद आएगी। तो देखो 6 × 3 = 18, 180, 4 से देखो तो 6 × 4 = 24, 240। तो ये संख्या आपकी 4, 5, 6 से विभाजित होगी। इसी की तरीके से आप देखो तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, इसी तरीके से आप देखो तो यहाँ पे 360 होगा, इसी तरीके से आप देखो तो 742 होगा, और इसी तरीके से आप देखो 8 है ना, 8 × 48 = 480, और एक और देखो 9 × 6 = 54, 540। तो कितने तक देखना है आपको, 550 तक। तो अब तो इसके बाद आ जाएंगी, तो आप देख रहे हो 3, 3, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 225 और 550 के बीच में है और सभी 4, 5, 6 से विभाजित हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 6 संख्याएं। कौन से ऑप्शन में 6 संख्याएं दी गई है, ऑप्शन नंबर सी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आप लगा चुके हो कि वह सबसे छोटी से संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल मिलेगा। देखो 12, 7 में 16 और 24 और 36, इनका एलसीएम निकाल दो और 9 जोड़ दो, बस यही इसका राइट आंसर होगा। तो बस एलसीएम निकालने में थोड़ा समय लगेगा। आप देखोगे 2, 6, 8, 12, 18,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे दो दिया छह, दो चक्कू आठ, दो छह बारह, दो नौ अठारह, अभी भी दो से जाएगा, तीन दो दुनी चार, दो तीन छह और नौ, अभी भी दो से जाएगा, तीन एक तीन और नौ, दो बार तीन से चला जाएगा, तो देखो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह सोलह बत्तीस होते हैं अड़तालीस, और अड़तालीस इंटू तीन, तीन अठे चौबीस का चार, हसिल पर दो, तीन चुको बारह दो, तीन चुको बारह दो चौदह, तो ये आ गया तीन चुको बारह, हाँ ठीक। तो 144 ये जो संख्या है ये 12 से भी विभाजित होगी, 16 से भी, 24 से भी, 36 से, लेकिन हमको ऐसी संख्या चाहिए कि जब 12 से भाग करे तो 9 से शेष फल आ जाए, तो हम सभी में 9 जोड़ देते हैं, 9 एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो 9 चार 13 का 3 हासिल पर 1 153। अब आप 153 में 12 का भाग करिए तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से शेष फल बच जाएगा, 16 में भाग करिए तब भी वही चीज होगी, 24 में भी वही होगा, 36 में भी वही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 153 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों क्या कह रहा है, फिर वही भिन्न वाला है कि आपको 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम चाहिए, तो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम हो जाएगा मेरे हिसाब से 20 हो जाएगा, 20। और सबका एचसीएफ नीचे वाले का देखो, सबसे छोटी संख्या सभी को डिवाइड कर रही, मतलब 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20/3, जो आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से, और उनका जो एलसीएम है वो दिया गया है 161, और आपसे वैल्यू पूछी है 3y-x से, हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने कहा था दो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको यहां से पता चल गया एक्स वाई बराबर 161 है। अब 161 का फैक्टर निकालो, ये केवल 7 और 23 से कटता है, 7 × 14 और 7 × 21 और यहाँ पे 23, तो दो ऐसे नंबर है 23 और 7 जिनको गुणा करने पर 161 आता है, जहां पर x बड़ा है, तो x की जगह हो जाएगा 23 और y की जगह हो जाएगा 7, यहां पे उठा के वैल्यू रख दो, 3 × 7 − 23 यही होगा, तो 7 × 14 = 21 और माइनस का 23, तो आ गया -2, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आया -2, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं दो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि कौन सी संख्या महत्तम संख्या, बड़ी संख्या है। देखो पहली संख्या जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 का होल स्क्वायर दिया है, तो 6 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 36, तो पहले का 36 आया। दूसरे में दिया है 4 का स्क्वायर, मतलब 16। तीसरे में दिया है 2 × 4, 4 × 8, 8 का स्क्वायर, मतलब 64। और फिर उसके बाद दिया है आपको 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर दिया गया है 256। तो सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन आया, 256, तो यही बताना था आपको कौन सी महत्तम संख्या है, 256, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कह रहे हैं कि 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज भागित 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड। देखो 36 हो गया और 60 हो गया, इसका एलसीएम आपको निकालना होगा, इसका एलसीएम 180 आएगा, निकाल लीजिएगा, वैसे सिंपल सा है, 180 आ जाएगा, और साथ में 18 और 45 इनका आपको एचसीएफ तो ये तो पता ही है, इसका एचसीएफ 9 आएगा, और दोनों को आपस में क्या कर देना है, भाग कर देना है 180 को 9 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 20, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया है ए में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपके एलसीएम और एचसीएफ के 38 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं, साथ में लगभग 30 आपको एग्जाम्पल मैंने कराए, तो लगभग आपको 60-63 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे, मैंने सारे के सारे आपको करा दिए।